नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 जुलाई 2021 और इस डिस्कशन में हम 21 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने इस्तीफा दे दिया। नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, रिसेंटली विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी रिजाइन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, लेबनान। अभी रिसेंटली लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं साद हरीरी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेबनान की लोकेशन अभी हम बाद में कवर करेंगे, पहले इन चारों जो ऑप्शन है ओमान, सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर, इनकी कैपिटल देख लेते हैं। ओमान की कैपिटल क्या है, ओमान की कैपिटल है मस्कट। एग्जाम में सीधी सीधी कैपिटल भी पूछ ली जाती है मैच द फॉलोइंग में। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है रियाद, रियाद सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान, तेहरान ईरान की कैपिटल है। और कतर की कैपिटल क्या है, कतर की कैपिटल है दोहा। अब बात करते हैं लेबनान की, लेबनान की लोकेशन ये रही आपके सामने। देखो ये जो पीला वाला पोर्शन है ना, ये है लेबनान, ये इसकी कैपिटल है बैरूत, जो न्यूज में भी थी कुछ टाइम पहले, यहाँ पे ब्लास्ट हो गया था उसके चलते ये सिटी न्यूज में भी आई थी। तो बैरूत लेबनान की कैपिटल है। अब एक पॉइंट आप याद रखेगा, लेबनान की जो बाउंड्री है ये मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है। क्वेश्चन यहां से उठेगा कि क्या लेबनान की बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है। जी हाँ, इसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, इस डिस्कशन में हमने उन बुक्स को कवर किया है जो पिछले 5-6 सालों में काफी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछी गई है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना नामक एक नई पहल शुरू की है। तो रिसेंटली अभी हाल ही में केरल पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना नामक एक नई पहल शुरू की है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। अब इसमें होगा क्या, देखो पब्लिक प्राइवेट और डिजिटल स्पेसेस में, मतलब उन जगहों पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए केरल पुलिस के द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है, महिलाओं की सुरक्षा, यानी टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, इसलिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब केरल से आप 2-3 पॉइंट याद रखेगा, कौन कौन से पॉइंट, देखो इसकी एक स्कीम है, कौन सी, स्मार्ट किचन योजना, इसको केरल की सरकार ने लॉन्च किया था। दूसरा वन स्कूल वन आईएएस, ये स्कीम भी केरल की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, इसको भी केरल की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। बात करें हरियाणा की, हरियाणा की देखो एक स्कीम है जो भी रिसेंटली लॉन्च हुई थी, नाम क्या है, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई थी उसका नाम क्या है, स्मार्ट, क्या नाम था उस स्कीम का, तो जो पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। राजस्थान देखो ये टाइगर कॉरिडोर डेवलप करेगा, और आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं केरल की लोकेशन की, ये है केरल की लोकेशन, ये देख रहे हैं आप, कर्नाटका और तमिलनाडु दो राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। केरल की कैपिटल की बात करें, तिरुवनंतपुरम, ये इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान ये राज्यपाल है। 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। केरल को भारत का मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। लेक की बात करें, अस्तावुडी लेक, पेरियर लेक, वेम्बर लेक और पेरोवर लेक, ये चारों लेक ये केरल में स्थित हैं। केरल की अगर हम कुछ नेशनल पार्क की बात करें तो इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामोडिशोला नेशनल पार्क, वेनड वाइल्ड सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड सेंचुरी और नैयर वाइल्ड सेंचुरी, ये सभी केरल में स्थित हैं। केरल की हाईकोर्ट की बात करें, कोची में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरल और लक्षद्वीप दोनों की जुरिस्डिक्शन कोची हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, डॉक्टर कम्भमपति हरिबाबू ने किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा मिजोरम, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिजोरम। अभी रिसेंटली डॉक्टर कम्भमपति हरिबाबू ने मिजोरम के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिजोरम। ये किसकी जगह लेंगे, पीएस श्रीधरन पिल्लई। देखो यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है, जो भी रिसेंटली नए 8 राज्यपाल
नियुक्त किए गए हैं किस किस राज्य में, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, ये मिजोरम की लोकेशन है, ये देखिए आप, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मिजोरम की बाउंड्री इधर बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ शेयर होती है, और राज्य की बात करें तो त्रिपुरा, आसाम और मणिपुर तीन राज्यों के साथ भी इसकी बाउंड्री शेयर होती है। मिजोरम की कैपिटल क्या है? ऐजवाल इसकी कैपिटल है। 21 जनवरी 1972 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 11 जिले हैं, लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40 सीटें हैं। मुख्यमंत्री की बात करें, जोरमथंगा मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल अभी हमने कवर किया डॉक्टर कम्भमपति हरिबाबू। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है। देखो गुवाहाटी के अंदर ना चार राज्यों की जुरिस्डिक्शन आती है। किस किस की आती है? एक तो आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। फिर से बोलता हूँ, आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों की जुरिस्डिक्शन ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। बढ़ते हैं आगे, किसने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है? तो बताइए ये पुस्तक अभी हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो फोर्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, बीमल जालन, इनके द्वारा द इंडिया स्टोरी ये पुस्तक लिखी गई है। अभी वो बुक है जो भी न्यूज में रही है। ये देखो पूरी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेके इनके नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, जुलाई 2021 में दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, जापान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जुलाई 2021 में दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का विश्व रिकॉर्ड ये जापान ने बनाया है। जापान की अगर हम कैपिटल की बात करें, जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की अगर हम करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी क्या है? करेंसी है जैपनीज येन, जैपनीज येन ये इसकी करेंसी है। और प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा, YOSHI फिर HIDA, योशिहिदे सुगा, ये प्रधानमंत्री हैं जापान के। बढ़ते हैं आगे, अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन डे ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20 जुलाई। 20 जुलाई को स्पेस एक्सप्लोरेशन डे ये मनाया जाता है। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे और नेशनल डॉक्टर्स डे, ये दोनों दिवस ये 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। 3 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे, ये 3 जुलाई, ये 10 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल फिश फार्मर्स डे। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 20 जुलाई को स्पेस एक्सप्लोरेशन डे, ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था ना, ये कहाँ पे हुआ था? पहला एडिशन हुआ था इसका भुवनेश्वर में, कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर 2020 में। और अब इसका जो दूसरा एडिशन होगा ये कहाँ पर होगा? ये होगा कर्नाटका में, कर्नाटका की जो सिलिकॉन सिटी है ना, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलिकॉन सिटी यहाँ पर होगा। कहने का मतलब यह है सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, कर्नाटका में होगा इसका दूसरा आयोजन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसके अभी तक 3 एडिशन हो चुके हैं। पहला एडिशन कब हुआ था? 2018 में। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में। दूसरा एडिशन कब हुआ था? दूसरा एडिशन हुआ था इसका 2019 में, कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में। इसका तीसरा एडिशन हुआ था 2020 में, और ये कहाँ पे हुआ था? असम के गुवाहाटी में। 3 एडिशन हो चुके हैं, और इसका भी चौथा एडिशन ये कहाँ पे होगा? ये 2021 में होना था, लेकिन COVID-19 के चलते अभी से पोस्टपोन कर दिया गया है। ये 2022 में होगा, और ये कहाँ पे होगा? ये होगा हरियाणा राज्य में। ठीक है, तो इसके टोटल 4 एडिशन हो जाएंगे 2022 तक। अभी तक तो 3 हुए हैं, चौथा इसका 2022 हरियाणा में होगा। तो 7th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, कर्नाटका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पेड्रो कैस्टिलो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अभी हाल ही में पेड्रो कैस्टिलो ने पेरू के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है ना, उनको जीत लिया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेरू।
बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील की कैपिटल आप याद रखेगा, कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया इसकी कैपिटल है। चिली की कैपिटल क्या है? चिली की कैपिटल है सेंटियागो। देखो होता क्या है, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उनके सामने ही चार कैपिटल, फिर पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग की, मतलब मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्वे की कैपिटल की बात करें, नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। फिनलैंड की कैपिटल की बात करें तो हेलसिंकी। हेलसिंकी किसकी कैपिटल है? ये फिनलैंड की कैपिटल है। अब ये बताइए, ये यहाँ पे पांच ऑप्शन दिए गए हैं, इन पांचों ऑप्शन में झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? तो झीलों का देश ये फिनलैंड को कहा जाता है। जिस प्रकार से भारत के अंदर झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है, राजस्थान के उदयपुर को, उसी प्रकार से फिनलैंड जो यूरोप में स्थित है इसको झीलों का देश कहा जाता है। अब पेरू की लोकेशन देखिए, देखो पेरू कहाँ पर है? ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक देश है। इसकी कैपिटल आप याद रखेगा, लीमा इसकी कैपिटल है, ठीक है, और लीमा ही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। इसकी करेंसी क्या है? करेंसी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो करेंसी क्या है? सोल। सोल इसकी करेंसी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खबरों में रहा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये किस राज्य में स्थित है? इस प्रकार के दो इंस्टीट्यूट न्यूज में होते हैं, वो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा के कटक में है। तो इस क्वेश्चन का ई आंसर सही है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में कवरेज के दौरान भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन का भी ई आंसर सही है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। देखो ये है अफगानिस्तान। इसकी कैपिटल की बात करें, काबुल इसकी कैपिटल है जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। अफगानी क्या है? करेंसी है। और अशरफ घनी ये प्रेसिडेंट है कहाँ के? अफगानिस्तान के। अब ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सही आंसर है। बशर अल असद ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार शपथ ली? तो सीरिया सही आंसर है। हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? उत्तराखंड सही आंसर है। किस राज्य ने 2001 और 2018 के बीच विभिन्न विभागों और कंपनियों के बीच हस्ताक्षरित 158 समझौता ज्ञापनों को रद्द कर दिया है? तो छत्तीसगढ़ सही आंसर है। ये क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, खबरों में रही थातेकड़ बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? ये केरल में स्थित है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। जुलाई 2021 में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को सदस्य के रूप में शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? किस राज्य की सरकार जल्दी वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी? जुलाई 2021 में कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में कम से कम 15,000 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? जुलाई 2021 में अखिल भारत तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कार्यक्रम की अनुमति दी है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।